अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? हम लोग तो ठीक हैं, फिट फाट हैं। और आपके लिए आज नई रेसिपी लेके आए हैं चिकन पुलाव की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें मसाला मसलन वही जो आम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं वही मसाले यूज़ होंगे। आज की पिक के साथ के अगर आपके चावल चिपक जाते हैं, आप उसमें एक दूसरे से मसलन सही नहीं रहते, नए चावल हैं, पुराने चावल जो हैं वो तो खिले खिले बनते हैं, तो उसके लिए आप गरम, जब चावल आप भिगोएंगे तो आप गरम पानी में भिगोएंगे और धोएंगे भी नीम गरम पानी से ही। नीम गरम पानी से धो के तो गरम पानी में भिगो देंगे और जब चावल ऐड करेंगे पानी में तो उसमें एक लेमन डाल देंगे। इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे और जुड़े हुए नहीं रहेंगे आपस में। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। ये हमने ऑयल में 2 मीडियम प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। जितनी देर में प्याज, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने मीडियम ब्राउन ही रखना है। जितनी देर में प्याज ब्राउन होता है थोड़ी देर में मैंने बाकी चीज़ें वगैरह काट ली हैं। अब बाकी चीज़ें कटी हुई आप लोगों के सामने पड़ी हैं, तो चले आइए शुरू करते हैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी। लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन है, 2 टेबलस्पून अदरक है, और इसके साथ में हम टमाटर ऐड कर देते हैं, ये कि ये हो जाए। प्याज अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाते तो चावलों को कलर आ जाता है, जो कलर नहीं, बच्चे कलर नहीं पसंद करते। बच्चे सिंपल चावल जो वाइट हों, खिले खिले हों, वो पसंद करते हैं बच्चे ना। मेरे पास थोड़े से मटर निकले हुए पड़े हैं, मैं वो भी ऐड कर दूँ, क्योंकि वाइट चावलों में मटर ज़रा कलरफुल से चावल ना अच्छे लगेंगे। वाइट में ग्रीन मटर, इनको भी हम साथ ही भून लेते हैं। देखिए ये मटर हमारे फ्राई हो रहे हैं, कितनी देर में हमारे मटर फ्राई हो रहे हैं। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ग्रीन चॉप मिर्च, और मैं शामिल कर दूंगी इसमें चिकन, इसलिए कि ये सारी चीज़ें सारी इकट्ठी पकती जाए। ये हमने चिकन डाल दिया था, कितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है, हम इसमें मसाले, बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें मुझे लौंग चाहिए 4 अदरक, 2 बड़ी इलायची, 3 मन के 3-4 पीस, रेड मिर्च हाफ टी स्पून, ब्लैक मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1.5 टीस्पून, और साल्ट 2 टेस्ट है। साल्ट का मैं एक और आपको टिप दे दूँ, अगर आप शीशे के जो ग्लास होते हैं पानी पीने के लिए, अगर आप उसमें एक, अगर आपके पास एक ग्लास राइस है ना, तो उसमें आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालोगे तो आप नहीं भी चेक करोगे तो आपका वो परफेक्ट टेस्ट आएगा। एक ग्लास ये वाला ग्लास, अगर एक ग्लास चावल है तो उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, तो वो परफेक्ट टेस्ट बनेगा। चलिए जी, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखें जी, गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, अभी ये मुकम्मल फ्राई नहीं हुआ, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखें जी, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है, हमारी बोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। ये देखें, लेग पीस बड़ा होता है, ये अक्सर कच्चा रह जाता है बीच में से, थोड़ा सा ये देखें हो गया है। ये जब हड्डी से बोटी अलहदा होने लग जाए तो वो उस वक्त तो उसकी निशानी यही होती है कि वो पक गया और मसाले ने घी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ये वाले मेरे 2 ग्लास हैं राइस के, तो मैं अब इसमें पानी डालूँगी 4 ग्लास।
ये ले जी हमारे हो गए 4 ग्लास पूरे। तो अब हम इसको ढक देते हैं, जितनी देर में जो पानी पकता है उसका हम वेट करेंगे। और चावल मैंने नीम गर्म पानी से आधा घंटा पहले ही भिगो दिए हुए हैं, तो अब चलें इसका पानी पकने का इंतजार करते हैं। जब पानी पकेगा तो फिर हम इसमें चावल डाल के, तो जब पानी पकने लग जाएगा तो हम इसका नमक भी चेक कर लेंगे कि इसका फ्लेवर सही आएगा। अगर आपने इस चेक करना है तो इसी पोजीशन में आके चेक करना है। व्यूअर्स हमारा ये देखें पानी पक रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं जो हमने आधा घंटा से पहले से नीम गर्म पानी में भिगोए हुए थे। अब इनको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो हम इसका ढक्कन लगा के आंच थोड़ी स्लो कर देंगे कि ये पकते रहें। अगर आप लोग चाहते हैं कोई हमारी पसंद आती है टिप, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में आके बताएं कि हमें ये चीज़ पूछनी है। ये देखिए जी, अब हम इन चावलों को दम लगा देते हैं। दम लगाने के बाद हम 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे। ये देखिए जी, हमारे चावल यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैंने इनको दम लगाना है तो मैंने नीचे तवा रख दिया है। दम मैंने इसलिए इनको कपड़ा गीला करके लगाना है, और इसलिए गीला करना है कि ये थोड़े से मुझे फील हो रहा है कि ये ज़्यादा ना कच्चे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए अब मैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे के चावल मैंने हिला दिए, ज़्यादा नहीं ये हिलाने कि टूट ना जाए। अब मैं इनको ढक देती हूँ। आँच बिल्कुल लाइट है, लाइट फ्लेम पे करके रखना है। व्यूअर्स हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं। ये आप इनकी लुक देख लें। मटर सिर्फ हमने इसमें कलर के लिए डाले थे, तो कोई और आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।